नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस कमाल की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ कमाल की टेक न्यूज। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड, न्यूज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, आज जो है थोड़ा बहुत नहीं मैनेज हो पाया क्योंकि यहाँ पर जो है कोई ज्यादा टेक न्यूज देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी कुछ सिलेक्ट करके मैं आपके लिए 5-6 न्यूज लेके आया हूँ जो कि आज के लिए आपको जाननी बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे पहली न्यूज आती है वो आती है जियो फोन की तरफ से। जियो फोन की बुकिंग जो है, जब से पहले मैंने पहले कुछ न्यूज में बताया था आपसे कि जो जियो फोन है उसकी बुकिंग दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप इंटरेस्टेड है जियो फोन को जो है, तो आप मोबीक्विक जो मोबाइल वॉलेट सर्विस है उस पर भी जाके बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल वॉलेट वाली ये पहली कोई ऐप है या कोई पहली कंपनी है जहाँ पर जो है जियो फोन आपको देखने को मिल रहा है, जो आप खरीद पाएंगे इस मोबीक्विक से। जाके अगर आप इंटरेस्टेड है जाके मोबीक्विक से खरीद सकते हैं और मतलब पेमेंट वगैरह वहीं से कर सकते हैं। और मतलब बाकी सारी जो भी डिटेल्स होगी वो बिल्कुल पहले जैसे होगी। जियो मैसेज करेगा आपको, आपके पास के रिटेल स्टोर पर जाके जो आपको फोन की यूनिट है वो लेनी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है आसुस के ZenFone 5 Lite को लेकर। ये जो फोन है उसके कुछ लीक्स हैं, यानी कि एक सर्टिफिकेशन एजेंसी की वेबसाइट पे इसे स्पॉट किया गया है। और इमेजेस के अकॉर्डिंग ये जो फोन है वो बहुत बेहतरीन है। और खास बात इसकी ये है कि इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप आगे और पीछे दोनों ही साइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पीछे जो है आपको 16 MP का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और आगे आपको देखने को मिलता है 20 MP का डुअल कैमरा सेटअप। साथ ही स्क्रीन की बात करें तो शायद ये 6 इंच की हो सकती है स्क्रीन। और एस्पेक्ट रेशियो है वो है आपको मिलता है 18:9 का। और बस यार फुल HD+ डिस्प्ले है। बाकी यहाँ पे 2 USB Type-C पोर्ट आप देख सकते हैं इमेजेस में। खैर, फोन लुक्स वाइज जो है पहला ऐसा फोन है मुझे ZenFone नाम या Asus का कोई ऐसा फोन है जो मुझे पहली बार लुक्स वाइज बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो डेफिनेटली यार फोन ने, यार मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, जो अगली न्यूज आती है वो आती है इंस्टाग्राम की तरफ से। तो इंस्टाग्राम है वो एक नए फीचर को बहुत जल्द लाने वाला है। जो फीचर है वो ये है कि जब भी कोई दूसरा अगर आपकी स्टोरी का स्क्रीनशॉट क्लिक करेगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि उसने या जिसने भी आपकी स्क्रीनशॉट को क्लिक किया है या आपकी स्टोरी का स्क्रीनशॉट क्लिक किया है वो कौन है और कब क्लिक किया, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको पता रहेगा आपकी स्टोरी को कौन कौन देख रहा है, कौन कौन जो उसकी स्क्रीनशॉट्स ले रहा है। तो फ्रेंड्स, जो अगली न्यूज आती है वो आती है शार्प एक्वस S3 को लेकर। जो उसकी कुछ लीक्स जो है वो सामने आई है, जो लीक्स है उसके अकॉर्डिंग फोन आपको बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल मिलने वाला है iPhone 10 से। हालांकि यह नीचे की बेजल थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिलने वाली है, लेकिन फोन ओवरऑल बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको नॉच देखने को मिलती है iPhone 10 की तरह और बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा कम बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि उतना तो नहीं अचीव कर पाया जितना iPhone 10 में है, लेकिन फिर भी यार बहुत ज्यादा अच्छा है। ये बजट सेगमेंट में आपको देखने को मिलने वाला है, शायद 15,000 से 20,000 में ये फोन आपको मिले या 15 से कम में भी मिल सकता है, क्योंकि यार यहाँ पे इंडियन प्राइस तो नहीं है। यहाँ पर मतलब डॉलर्स में शायद होगी इसकी प्राइस, खैर प्राइस तो फिर भी पता नहीं, लेकिन बजट सेगमेंट स्मार्टफोन है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, आपको स्क्रीन की मिलती है 5.99 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ। बैक में डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है 13 और 12 MP के डुअल कैमरा सेटअप है पीछे। और फ्रंट में आपको मिलता है 16 MP का कैमरा, 3100mAh की काफ़ी अच्छी खासी बैटरी आपको देखने को मिलती है। और जो रैम वेरिएंट्स और रैम रोम वेरिएंट्स हैं वो हैं 4GB 64GB और 6GB 128GB के। और मतलब इसके प्रोसेसर के शायद एक्सपेक्टेशन है कि आपको 660 और 630 के शायद आपको देखने को मिले। यहाँ जो शार्प का एक्वस S2 था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर मतलब मिक्स जैसा डिज़ाइन था। यहाँ पर अब एप्पल iPhone 10 की तरफ बढ़ चुका है ये। तो मतलब बाकी यार बात करें तो यहाँ मतलब फ़ोन की कॉपी भले ही कर रहे हैं, लेकिन कॉपी भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ये बात तो इसकी माननी पड़ी। थोड़ी यहाँ जानकारी आती है वो आती है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल ने जो एक नया पेटेंट फाइल किया है जिसके अकॉर्डिंग आपको या आप जो VR हेडसेट या AR हेडसेट जिन्हें आप बोलते हैं वो आपको एप्पल की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लाइट वेट, जब भी आप अपने खोपड़े पे सिर पे पहनेंगे तो आपको वेट ज़्यादा महसूस नहीं होगा और फ़ोन जो है वो भी थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। यहाँ पर मल्टी लेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं। हालांकि यहाँ कोई पेटेंट की फाइल की हुई इमेजेस या कोई ऐसी चीज़ इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, सिर्फ इतना बताया कि लाइट वेट जो है यहाँ पर आपको VR हेडसेट देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये थी आज की कुछ टेक न्यूज़। आई होप आपको टेक न्यूज़ में मज़ा आया होगा, लेकिन यार आज थोड़ी कम रह गई टेक न्यूज़ उसके लिए यार सॉरी, बट यार हो जाता है कभी बार। लेकिन बस यार अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार डेफिनेटली लाइक करें, बिना कहीं मत जाइए। और साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की टेक न्यूज़ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ डेली पोस्ट करता हूँ अपने चैनल पर। 2 वीडियोज़ रोज की जाती हैं,
आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं, चैनल को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए डालता हूँ तो बेशक आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल बटन को भी दबा सकते हैं, जिससे दबाने से होगा ये कि जब मैं कोई नया अपलोड करूंगा वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।